और जो मुझे प्रेजेंट किया गया है बहुत ही अलग, और मैं चाहती थी कि अगर मैं एक एल्बम सॉन्ग कभी करूं अदनान जी के साथ तो एक बहुत ही अलग तरह का एल्बम सॉन्ग करूं, और वही हुआ. प्लस इट वाज द लॉन्च सॉन्ग ऑफ द फिल्म ऑफ द एल्बम. एंड पहली दफ़ा हम लोग ने दो वर्जन शूट किए हैं, जो आज से सेकंड वर्जन स्टार्ट हुआ है टीवी पे. So again, that's a privilege and that's something different. कैसा experience रहा album में काम करने का अदनान? Actually हम लोग ने जो album shoot किया एकदम film की तरह shoot किया है. ऐसा लग रहा था कि एक film song का गाना चल रहा है. Whether it was the choreographer Terence or whether Binod Pradhan ji जो camera work man थे, उनका काम बहुत ही बेहतरीन था. और of course director Bela Sehgal जो जिसने शायद किसी film में मैं इतनी अच्छी नहीं लगी हूँ जितना इस album में. उन्होंने बहुत मेहनत की. मैं सालसा और बैले के क्लासेस मैंने भी लिए थे, और उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए मेरे साथ बैठे हैं. मतलब मुझे लगता है कि उनकी दुआएं मेरे पर थी और इसलिए ये एल्बम ऐसा आया हुआ है. एल्बम के म्यूज़िक के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे आमतौर पे जहाँ एल्बम में बड़े स्टार्स बहुत कम आना पसंद करते हैं, वहाँ अमित जी हों या गोविंदा हों या फिर आप हों? वेल, अदनान इज़ अ बिग स्टार हिमसेल्फ. तो एतराज़ तब होता है बिग स्टारों को जब उनको लगता है कि शायद यू नो पेयरिंग इतनी अच्छी नहीं होगी. बट अदनान इज़ अ ह्यूज स्टार इन हिमसेल्फ. सो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी बिग स्टार को, चाहे वो अमित जी हो, चीची हो, कल चाहे वो शाहरुख खान क्यों ना हो, उनको एतराज़ होना चाहिए. चलते चलते अपने दर्शकों को एक दिवाली की वेल, मैं अपने सभी दर्शकों को हर साल की तरह इस साल भी बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ दूंगी, और मैं चाहूंगी कि ये दिवाली मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है. दिवाली के बाद दिसंबर से लगातार मेरी 6 फिल्में रिलीज़ पर है. दिसंबर से वादा जो पहले आएगी, फिर ऐलान, फिर राइजिंग, हमको तुमसे प्यार है. तो सभी दर्शकों को ये विनती है कि ज़रूर मेरी फिल्में देखें और मुझे इतना ही प्यार देते रहे जितना हर साल देते हैं.